ब्यूटीफुल लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी। आई थिंक ये बैटरी इसकी डेड हो गई है। बस जब तक सूरज है तब तक तो कुछ टेंशन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आगे ना जाऊं बट नींद भी प्रॉपर नहीं आती और ठंड भी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आज पूजा है ऊपर गांव में, तो आई थिंक ये बलि चढ़ने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों लव यू लव यू लव यू ऑल, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। अरे ये तो कुछ पूरी रोड खोद दी इन्होंने। वाह भाई वाह, ये हो रहा एडवेंचर, खतरनाक वाला एडवेंचर। बजरी डाल रखी है, बजरी में टायर अंदर घुस रहा है। यस से एक तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है, और यहाँ पे अगर इस समय बारिश होगी ना तो कभी भी बर्फ़ गिर सकती है, उसी टाइम थोड़ी देर में बर्फ़ गिर जाएगी। अब यहाँ से चढ़ाई है 1 किलोमीटर पैदल। जैसे ऊपर चढ़ाओगे और अगर आप धीरे स्पीड पे लाओगे तो चढ़ नहीं पाएगी। तो यहाँ पे वो सुबह गिरा था, स्नो फ्लेक्स जो गिर रही है। पूछ ले भाई क्या मिलेगा, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ फंस गए क्या? लोमड़ी चलो 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 चलो, टायर एकदम मेरे पत्थर हो गए हैं ठंड के मारे, वो जो भीग गए थे ना उसकी वजह से एकदम चिल्ड हो गए हैं पैर, और दर्द कर रहा है धीरे धीरे। वो ठंड जब ज़्यादा नहीं हो जाती तो दर्द करने लगता है, वैसा सा हो रहा है। उनको मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ पैरों को गोल गोल, सही मूवमेंट में रहा है। अभी आगे जगह कुट्टी आएगा, जो जगह जहाँ पे हमने जाते वक्त प्रशांत की तबीयत ख़राब हुई थी थोड़ी सी, वहाँ पर सोच रहा हूँ रुक के थोड़ा मोजे वोजे चेंज कर लूँ, थोड़ा सा तो आराम मिलेगा। तो दोस्तों हम पहुंच गए कुट्टी वापस, 1 घंटा लगा हमें पूरा, 12 बजे चले थे, 1 बजे हम यहाँ पे आ गए कुट्टी में। बेदी की बाइक खड़ी है पर बेदी नहीं है। क्या हुआ बेदी का है? क्या पंडे है? कुट्टी से यहाँ भंडारा लगा हुआ था तो बेदी हमसे पहले पहुँच गया था थोड़ा काफ़ी, तो उसने अपना भंडारा में खाना खा लिया। हमने कहा चलो टाइम तो है नहीं ज़्यादा, चलते हैं आगे, हम आगे देखेंगे कहीं और कुछ खाने को, अभी ऐसी भूख भी नहीं लग रही थी। जब तक सूर्य देव हैं रास्ते खींचे जाओ, जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें दिखें वहाँ फ़ोटो खींचे जाओ, इंजॉय करो, खुल के सांस लो और पहुंच लो बस। चलो 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 चलो, चलो 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 चलो। ट्राई करूं? ये वाला तो बड़ा सिंपल है। है? ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सुबह गिरा था। चलो भाई
शॉर्टकट ही ले लेते हैं। आगे चल के ना ऐसे रास्ता आएगा डेड ट्रेल, थोड़ा सा सीधा है, तो मैं इस वाले कैमरे को ना हाथ से पकड़ूंगा और तुम दोनों पीछे से आ रहे होगे, धूल उड़ रही होगी। वो ना आगे जाके ना ऐसे डर्ट रास्ता पर सीधा सा है, मतलब 200-300 मीटर का स्ट्रेच है, ठीक है? वो ट्रक की वजह से हो गया। हाँ यार भाई, तो जगह ही नहीं थी वाला, मेरे को यहाँ पे ग्रेवल से भगवानी डाल की बड़ी डर चला। चलो तू आगे चल, चलो ऐसे ही कुछ डिस्कस होता रहता है। अभी करंट फिर से गिर गया था पीछे, और एक शॉट चाहिए था मेरे को, मैं उससे वही डिस्कस कर रहा था प्रशांत से कि यार आगे चल के ना एक जगह आएगी, मैं जब जा रहा था तो मैंने देखी थी, थोड़ा सा लंबा रास्ता है। सो हाँ, बाकी बस खतरनाक रास्ते, मैं और आप, आपकी चाय। आई होप यार आप लोग ना पूरा ब्लॉग देखा करो, मैं हर बार बोलता हूँ, पर आई नो कि शायद सबके इंटरेस्ट का नहीं है, पर जिसके इंटरेस्ट का है, अगर इंटरेस्ट का नहीं है, अगर कोशिश करोगे, मेरी पूरी स्टोरी थोड़ी अलग टाइप की चलती है पूरी ब्लॉग में, बिल्कुल जो है सो है वाला। तो ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर स्नोफॉल से स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी स्नो गिर रही है, पीछे थोड़ा मौसम खराब है, तो अभी हमने ड्रोन उड़ाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। तो मेरे पैर ना जाम हो गए, पीछे मौसम खराब हुआ उस तरफ थोड़ा, तो स्नोफ्लेक्स जो गिर रही है अभी एकदम से बहुत सारी आई। चलो फिर। हाँ क्या बहुत मन था मेरा ड्रोन को शॉट लेने का, कि साथ में नदी चल रही है, रोड ऊपर से लेता मैं, और आँख में आके गिरा। तो ये स्नो फ्लेक से गिरने स्टार्ट हो गए काफ़ी, अब हमें पता नहीं ज़्यादा गिरने लगे। फिर ड्रोन वाटर प्रूफ तो है नहीं, ये गुंजी से जब आप आदि कैलाश जाते हो तो ये 7-8 किलोमीटर की जो रोड है ना भाई साहब, मस्त एकदम ब्यूटीफुल, पेड़ों के बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बाई चांस अभी बर्फ भी है उस पर, ब्यूटीफुल। यार मैंने ड्रोन निकाला, सब फिट किया, बर्फ गिरने लगी, सब सेट कर लिया मैंने, एकदम से गिरने लगी। सो दोस्तों वहाँ सीधे निकल जाते हैं हम, तो आपका लिपु लेक और ओम पर्वत है उस तरफ जहाँ पे हमारा ITBP का कैंप भी था। तो अब ये वापस हम नीचे से आ गए, जब हम उस कल रात को जब हम आए थे वापस गुंजी की तरफ, वो जा रहा गुंजी का रास्ता, अब ये पूरा रास्ता ख़राब है। तो अगले 2-2.5-3 घंटे मतलब अच्छे लगने वाली है, और यही हमारा कट ऑफ टाइम था कि 2 बजे हम गुंजी में होने चाहिए किधर भी जाए, क्योंकि हमें दिन में वो रास्ता कवर करना है, वो जो पूरा टूटा हुआ रास्ता है जो हम कवर करेंगे दिन में, क्योंकि वो बिल्कुल भी रात को कवर करने वाला रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये नंबर देख लो, वेलकम टू नेपाल चू, यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो इसमें आ गए होंगे।
तो ये सब गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप गुंजी में आके रुकना चाहते हो तो। एक है नापाल जू, इसका भी नंबर लिखा हुआ है, आप देख लो आराम से, ठीक है। क्या यहाँ कोई है नहीं? कोई है नहीं? पर उनमें खाने का भी हो सकता था। तो पहले वाला जो होम स्टे था वो चलते हैं ना पे BMW पे। है तो भैया, भैया है कुछ है? खाने वाने को बस वो पीछे जो होम स्टे वहाँ कुछ मिलेगा। हाँ तो कुछ नहीं है, मैगी है बस, कितनी मैगी खाए। पूछ ले भाई क्या मिलेगा, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम नहीं है, पूछ ले फटाफट जो भी है ऑर्डर कर दे। क्या वादियां है, और म्यूजिक चल रहा है अंदर, और यहाँ पैर हो गए नीले, वो नाला था, वो गर्म पानी में डाल रहे हैं। सो दोस्तों खाना खा लिया, यहाँ पे खाना एक नंबर था, और क्या लोकेशन और क्या व्यू था वो आप ये देख लो। देखा एकदम फर्स्ट क्लास, और यहाँ पे पेट्रोल भी ले लिया है, इनकी KTM में पेट्रोल चाहिए था, इनको डोमिनार में भी चाहिए था, और यहाँ पे 200 रुपये लीटर मिला है इनको पेट्रोल गुंजी में, 200 रुपीज़ लीटर, तो इन्होंने अपना दो दो लीटर डलवा लिया है। तो पेट्रोल की यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, और है तो थोड़ा महंगा है, और वो तो मैं आपको जब घर जाऊँगा सब मैप्स में बता दूँगा कहाँ पे कैसे कैसे है सब कुछ। सो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं धारचूला की तरफ। लव यू दोस्तों, जुड़े रहो, बाय बाय। चलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया खाना हो गया अपना 730 रुपये, 730 रुपीज़ अंडा भुर्जी, और जो उनका लंच होता है दाल होती है, सब्जी होती है, दही भी थी, रोटी चावल अचार 200 रुपीज़, और यहाँ पे रूम्स भी हैं, तो पर हेड 1200 रुपये है इसमें यहाँ पे, और यही रेट होगा यहाँ पे जिसमें आपको डिनर भी है और ब्रेकफास्ट भी है, आई थिंक 1200 रुपये पर हेड। पर यहाँ बहुत कम है अभी, और बन रहे हैं धीरे धीरे, आप देख रहे हो, क्योंकि अब लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो यहाँ और बन रहे हैं, पर अभी थोड़े कम है। तो अगर आप आ रहे हो सीज़न में, अब तो सीज़न ख़त्म है अक्टूबर एंड में, तो थोड़ा सा अगर हो सके तो बुकिंग करा के आना पहले। फ़ोन नंबर तो आपकी मैं ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ, ठीक है। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में, अभी थोड़े मुश्किल रास्ते करने हैं, कहीं ज़्यादा मुश्किल आ गया और आपकी ज़रूरत पड़ी तो कैमरा ऑन कर लूँगा, ठीक है। कहीं जाना मत, ज़रूरत पड़ेगी अभी। दोस्तों लुक एट द ड्रॉप, क्या ड्रॉप है इस पर, अगर आप नॉर्मल गाड़ी ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ाओगे, और अगर आप धीरे स्पीड पे लाओगे तो चढ़ नहीं पाएगी, 4x4 नहीं है, और तेज़ी से लाओगे तो नीचे लगने की वो होता है, कि तेज़ी से लाओगे वो शॉकर दबेंगे एकदम से, धम नीचे लगेगी। तो ऐसे इस रास्ते में दो तीन जगह है काफ़ी डेडली, उसी को देखते हुए मैंने बोला था कि यहाँ पे ना छोटी गाड़ी या सेडान वेडान उस टाइप की गाड़ी ना लाएँ तो अच्छा है, लॉर्ड एल्टो कहीं भी आ जाएगी फिर वो बात अलग है। ओके, तो ये वो पूरा खतरनाक रास्ता है जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये दिन दिन में ही कर लें तो अच्छा है, ये बिल्कुल भी रात को करने लायक रास्ता नहीं है। तो कितनी भी अच्छी लाइट हो आपके गाड़ी में बाइक में, इसमें यहाँ पे इतने ऊपर नीचे गड्ढे और इतने
स्टोन्स निकले हुए हैं कि वो लाइट की थ्रो प्रॉपर जाएगी नहीं, तो आपको सही से दिखेगा ही नहीं। है कि नहीं ब्यूटीफुल? मन नहीं करता बीच में तो रुक के, कितना क्लियर पानी है एकदम। ये थोड़ा लगता है कश्मीर की तरह, कश्मीर में ना ऐसा ही है, थोड़ी सी फैला हुआ नदियाँ, छोटी सी, एकदम ग्रीनिश ब्लूइश पानी ऐसे जा रहा होता है, देवदार के पेड़ होते हैं, थोड़ा सा स्लोप, बर्फीले पहाड़, ब्यूटीफुल। चलो नज़ारे हो गए, एंजॉय, बड़े आगे। कभी SD कार्ड ख़त्म हो जाता है, कभी बैटरी ख़त्म हो जाती है, बहुत कुछ करना पड़ता है दोस्तों, हर टाइम कनेक्शन बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आई नो आपको पता है, और नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसे सब बताता हूँ मैं डिटेल में। ओके चलो, एक छोटा सा पॉकेट खुला हुआ है ऊपर, बाकी चारों तरफ घेर रखा है उसको काले बादलों ने, उधर ही जाना है हमें। सूर्यदेव एक बार फिर से, मतलब आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ, पर थोड़ा ध्यान रखना, थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों अभी हम गबरियांग पीछे छूट गए, गबरियांग बहुत ही छोटा सा एक विलेज है, वहाँ कुछ है नहीं ज़्यादा, रुकने उकने को भी नहीं है, शायद चाय वाय मिल जाए आपको, दैट्स इट। रोड पूरी ख़राब ही है गुंजी से, पूरा डिटेल में घर पे जाके इसके व्लॉग्स तो आएंगे ही जो भी सब, प्लस मैं आदि कैलाश के बारे में डिटेल मैप और रोड कंडीशंस और वो सब भी बताऊँगा आपको, तो टेंशन नॉट। बिल्कुल हाइट पे चढ़ते चले जाएंगे ऊपर, और वहाँ पे फिर वो चेक पोस्ट आएगी जहाँ पे हमारा पहली बार परमिट चेक हुआ था, उसका नाम मेरे को अभी तक नहीं पता, उस टाइम पे भी उन्होंने नाम बताया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था तो मेरे को याद हुआ नहीं। दोस्तों वैली देखो, वैली द ब्यूटी, क्या नजारे हैं। उधर से ही आए हम, आदि कैलाश उस तरफ से ऐसे, लव यू दोस्तों, लव यू। गजब नज़ारे हैं, क्या वैली है, सुपर बम बम भोले। सामने वो आ गया है, वही चेक पोस्ट। आई थिंक वहीं पे वेट कर रहे होंगे प्रशांत और बेदी करण। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल, आप देख सकते हो, क्योंकि सामने जो नदी के उस तरफ नेपाल है वहाँ पे तो काफ़ी बर्फ़ है, और उधर मौसम भी काफ़ी ख़राब लग रहा है, और जो ज़्यादा दूर नहीं है तो उसका इफेक्ट इधर तक है। यहाँ भी गिर रहा है स्नो फ्लेक्स धीरे धीरे, बस अब पहुँच जाए फटाफट वहाँ पे, क्योंकि उसके बाद फिर हम नीचे उतरेंगे, अभी हम हाइट पे हैं, फिर से हम नीचे उतरेंगे। डेढ़ घंटे में आ गए हम यहाँ पे गुंची से, देखते हैं यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। छिया लेक, अच्छा इस जगह का नाम है
चिया लेक, और ये करीबन 1.5 घंटा है गुंजी से। यहाँ पर मैं चेक हुए थे, तो अभी जाते वक्त बस आपको एंट्री करानी होती है कि आप वापस जा रहे हो, तो वो आपके एंट्री में चेक करते हैं, जो आप जब भी गए थे उसमें एग्जिट कर देते हैं। ऐसी फोटो वोटो चलो। मौसम पूरा खराब हो रखा है, बस सामने अगर हमें जाना होता नेपाल में, पर हमें जाना है इधर इंडिया में रहना है, क्योंकि सामने अगर देखें तो जिस हाइट तक बर्फ गिरी हुई है यहाँ तक भी ऊपर बर्फ होती, और ये भेदभाव है, वहाँ बर्फ गिरेगी यहाँ नहीं। नहीं भेदभाव नहीं, सूर्यदेव सॉरी, हमें पता है आप हमारा ध्यान रख रखा है, अगर यहाँ बर्फ बर्फ इतनी गिर गई होती तो सब रास्ते बंद हो गए होते। हाँ सॉरी मैं भावुक हो गया था, माफ़ करिएगा मुझे। वहाँ जाना है, मैं यहाँ पे आया हूँ, वहाँ जाना है। ये नीचे देख देखते हैं कहीं मौसम में, वही देख रहा हूँ बिल्कुल घाटा लूप्स लग रहे नीचे। घाटा लूप्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जोजिला उतर रहे हो, और सामने ये सोनमर्ग आने वाला हो, हरियाली एक तरफ सारे बैरन लैंड, जब आप जोजिला को उतरते हो तो एक तरफ पूरी ग्रीनरी होती है लेफ्ट हैंड साइड में, और उधर देखो सनलाइट भी हो रही है, ऐसा लगता है कि यू नो सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप जोजिला से पास से आ रहे हो और देखो वाओ ब्यूटीफुल वाओ। बुलडोजर जा रहा है, बुलडोजर अरे अरे गाड़ी बहुत धुआं उड़ा रही है, क्या किया जाए, रोड भी खराब है, तो रुक जाना चाहिए थोड़ा सा, इसको डिस्टेंस बना ले, थोड़ा आगे चली जाए। तो दोस्तों अभी बहुत बड़ा एक विलेज ही था, कस्बा, बड़ा कस्बा था, बुद्धि नाम से, और ये आया तकरीबन आपका 2.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे गुंजी से। तो यहाँ पे होमस्टे थे काफ़ी, और आप चाहो तो बुद्धि में रुक सकते हो। फंस गए क्या? हाँ आप कहाँ जा रहे हो अभी? कहाँ रुकोगे आज? नाभी? लेट हो गए हो थोड़े हैं? अभी आपको लगेगा कम से कम नाभी पहुंचने में 1.5 घंटा? नहीं 2 घंटे तो वहीं तक, उसके बाद कम से कम 3-3.5 घंटे। हाँ
इतना साफ सुथरा ग्रीन, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश है ना, थोड़ा सा धुल के। बस बारिश इतना ही रहे, ज़्यादा ना हो, अभी बूंदाबांदी हो रही है, जस्ट होल्ड कर रही है। वही वाला वाटरफॉल हो गया जिसमें भीगे थे। तो फिर से भीगना है क्या, क्या बोलते हो? अरे यार इधर से जाएंगे तो भीग जाएंगे, इधर से जाएंगे भीग जाएंगे। साइड से आगे वाला पैच, साइड से आगे वाला जो पैच है ना, मुझे ये नहीं पता यहाँ से तू जा पाएगा ना, अगर यहाँ से तो शायद थोड़ा बहुत बच जाए, मतलब रोड पे नहीं जाना है। स्टार्टिंग में पानी है ही नहीं, वही है पानी वहाँ पे, यहाँ पे वो वहाँ पे है, वो बहुत तेज पानी। हाँ वो पहले नीले वाला, नीले वाला हाँ, जब इसको क्रॉस करेंगे नीला वाला पहनने के बाद, तो खड़े होके करेंगे, खड़े होके क्या करेंगे, तेरी जीस बच जाएगी। एंड यू स्टैंड अप ना, नीला वाला ऐसे रहेगा और वी गो लाइक दिस, तो जीस बच जाएगी। है ये गीला नहीं होगा, सही क्या फ्रंट नहीं गीला होगा ना, सीधे जाएंगे उसमें से, सीधे ऐसे आगे होते हुए तो पानी सारा ऐसे जाएगा, थोड़ी देर में तो पहुंच जाना है वैसे। हाँ या भीगना है, खड़े होके निकल जाते हैं ना। हाँ खड़े होके निकल जाओ, जीस तब बच जाएगी। ग्लव्स बचा ले, ग्लव्स बचा ले, ग्लव्स। ऐसा क्यों गिर रहा है? अरे वाह क्या बात है। अबे इस बार डांस नहीं हुआ हमारा है, यहाँ पे डांस बनता है, एक दो स्टेप आ जा है। अरे नहीं थोड़ा सा पानी के इधर ना, इसको वीडियो बनवा इससे। ओए करण, ये करण चलो दोस्तों, थोड़ा सा बारिश हो रही है तो कवर कर लिया चीज़ें। ये टैंक बैग मैंने कवर कर लिया, अपने आप को ये स्पाइडरमैन वाली जैकेट पहन ली है। क्या बारिश तो हो रही है, भीगने लायक हो रही है, और मैंने अपने ग्लव्स पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई तो ब्रांडेड ग्लव्स है, ये बता दूंगा कौन से, ये विंटर भी है और ये वाटरप्रूफ भी है।
उड़ा दो कितना सही आएगा ना। हाँ रुक जा, बाइक पीछे खड़ी करता हूँ, उड़ा तो पीछे। उड़ाऊ दो बार ड्रोन का सेटअप करने की कोशिश करी, सेटअप किया ऑलमोस्ट, पर हवा एकदम से तेज़ भी थी और हल्की हल्की बूंदें गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। दो तीन बार हो गया मतलब एक्चुअल में ऐसा, इतना ख़तरनाक रास्ता था ये, आप देख रहे हो हैं, ये है रास्ता। उधर नेपाल है, वो नेपाल के गांव है, वहाँ पे एक घर है, पता नहीं यहाँ पे कैसे कहाँ से क्या लाते हैं, लाते हैं पर कहीं से तो लाते हैं। फुल डेंजर रास्ता ये, दोस्तों आपको तो घर पे मजा आ रहा होगा, यहाँ अपनी लग रही है, कोई बात नहीं, आप मौज करो और ब्लॉग जरूर देखना, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे ऊपर 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 ऊपर, हाँ यहाँ पे। चलो अब मैंने दो तीन बार ट्राई कर लिया दोस्तों ड्रोन, आज नहीं है ड्रोन की किस्मत साथ, तो कोई बात नहीं। तो बस अभी हम धनौल्टी पहुंचेंगे, आज का हमारा प्लान है धनौल्टी रुकने का, और धनौल्टी में फिर करण का प्लान है कि आज हम नेपाल जाएंगे, तो टुडे वी विल बी गोइंग इंटरनेशनल। धनौल्टी से आप नेपाल जा सकते हो, तो ऐसा मैंने सुना है, मैं कभी गया तो हूँ नहीं, नेपाल तो गया हूँ पर वहाँ से नहीं गया हूँ। तो और आपको पता है जब मैं नेपाल पहली बार गया था तो कैसे गया था, हमारे पिताजी भी हमारे से भी आगे के एडवेंचरस हैं, तब हम गाड़ी से गए थे क्या कहते हैं नेपाल, और नॉर्मल बॉर्डर से नहीं गए थे जैसे नॉर्मल जाते हैं, हम यहाँ टनकपुर के पास एक महेंद्र नगर एक बॉर्डर है महेंद्र नगर, वहाँ से गए थे, और वहाँ से पूरा नेपाल ऐसे क्रॉस करते हुए हम पहुँचे थे काठमांडू, और ये बात हो गई सर 1996 की थी या 8 की थी, और उस टाइम पे ना नेपाल के अंदर कुछ नहीं था, कोई रोड वोड कुछ नहीं, ऐसी बहुत सारी नदियों से हमने पार किया था, मुझे अभी तक याद है गाड़ियाँ नदियों में घुस गई थी पूरी, और कैसे कैसे पहुँच के हमें नेपाल पहुँचे थे, और लोगों ने हमें बोला था कि सर आप ये कौन से बॉर्डर से आ गए, यहाँ से तो कोई आता नहीं है, पर भाई साहब ख़तरनाक एडवेंचर था, बहुत कुछ तो मेरे को याद नहीं है पर काफ़ी चीज़ें याद हैं। वहाँ से हम शूज़ वूज़ खरीद के लाए थे, उस टाइम पे काफ़ी सस्ते होते थे फैंसी फैंसी शूज़। रोड सही ख़राब वाला सिलसिला चालू हो गया, थोड़ा सा सही आती है फिर थोड़ी ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी सही आती है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, और ये चालू हुआ हमारा बुद्धि के बाद, बुद्धि से लेके आपका गुंजी तक तो ऑलमोस्ट रोड खराब ही है, बुद्धि से लेके अभी तक यहाँ नाथचुला के जो रास्ता है सही ख़राब है इसमें, अब जैसे सही आ गई, मतलब ये कह सकते हो कि जो सही वाला पैच है वो थोड़ा ज़्यादा है ख़राब से, तो सही वाला थोड़ा ज़्यादा है, इस लाइक अभी तक 70 सही है 30 ख़राब है। फॉक्स 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 लोमड़ी 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 लोमड़ी
तो दोस्तों 5:30 बज गए शाम के और धारचूला जो है वो करीब 25 किलोमीटर बचा है, 25 किलोमीटर बचा होगा मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 किलोमीटर भी हो सकता है। अगर रोड ऐसी अच्छी ख़राब चलती रही तो 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, मतलब कि 6:30 बजे करीब धारचूला, और हम 2:30 बजे चले थे आपका गुंजी से, तो 4 घंटे में मतलब रुक रुक आके फोटो वोटो खींचते रहे आराम से। अच्छी फोटो आती ना, लोग जा रहे होते सामने ब्राइट लाइट दिखती थी, कुछ कुछ चीज़ें ना एकदम से आप चल रहे होते आप देख रहे होते आपको बड़ा अच्छा लगता है फ्रेम में, मतलब पर जब आप फोटो खींचते हो ना तो आती नहीं चीज़। उसका रीज़न एक तो ये है कि आपको सही एमएम के लेंस और उससे फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, अगर आप हल्का सा भी वाइड या नारो, क्योंकि आपकी आंखें जिस एमएम मतलब जो लेंस है जिस फोकल लेंस से वो देख रही है, लाइक समझ लो कि बस जिस लेंस से आंखें देख रही हैं वो उसी टाइप का लेंस आपके स्पेसिफिकेशंस का कैमरे में एक तो होना चाहिए, प्लस लाइटिंग की कंडीशंस और सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे थोड़ा आप भगवान की बनाई हुई चीज़ को बीट कर दोगे नहीं। धारचूला की तरफ ही बढ़ रहे हैं दोस्तों और हर जगह ना बारिश हुई हुई है, हमसे जस्ट पहले आए थे जब वहाँ पे हो रही थी फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गई, तब यहाँ पे बारिश काफ़ी थी, तो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ कि हम थोड़े से लेट हुए क्योंकि यहाँ पहले काफ़ी बारिश हुई है, जो भी बीच में गाँव वाँव जा रहे हैं उसमें ना पानी वानी भरा हुआ है मिट्टी के उसमें सड़कों पर। बस अब फटाफट आ जाए आपका धारचूला और होटल का रूम मिल जाए और चैन से सो जाए यार, रात नहीं सो पाए बहुत, बस क्या बताऊँ। उससे एक दिन पहले जब वहाँ पे भी लिया था कमरा पिथौरागढ़ में तब भी बस ओके ओके नींद आई थी सवाओ, और कल तो बस एक ही पैच आया था कल, मतलब जैसे सोए हम 10:30 बजे आई थिंक, तो 11:30 बजे मुझे नींद आई होगी और मैं 3 घंटे करीब सोया होगा, उसके बाद से बस ऑन ऑफ ही रहा, फिर 5:45 बजे तो उठ के बैठ ही गए थे, 4 बजे से ही रूम में बात होनी स्टार्ट हो गई थी, अरे भेजी तू उठा है प्रशांत तू उठा है हाँ वो क्या हो रहा है, मतलब लेटे लेटे ही नींद में ये बातें हो रही थी, तो 4 बजे से समझ लो, तो ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं दोस्तों, और वही पतले पतले रास्ते खतरनाक रास्ते धारचूला की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं हमें कुछ रुका नहीं है, उसके बाद गुंजी के बाद कहीं कुछ खाना पीना कुछ नहीं, एक दो बार ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी थी जैसे मैंने आपको बताया वो फेल हो गया, तो बस धारचूला पहुँच के सांस लेंगे। आउल 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 देखिए कैमरा में कैप्चर हुई पता नहीं, व्हाइट कलर की बड़ी वाली आउल टॉक दिख गई, आउल दिख गई, इतना तो कभी कभी जिम गवर्नमेंट में नहीं दिखता, देख रहे हो रस्ते यार, धारचूला पहुंचने से पहले 15-20 किलोमीटर तो बहुत ही ख़राब रोड है भाई साहब, मतलब चौड़ी हो रही है सब और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूटी पड़ी है पूरी, कुछ पता नहीं क्या बन। 6:15 हो गए
और अभी भी पता नहीं कितना बचा है, 10 बचा है, 15 बचा है। फाइनली नगर पालिका परिषद धारचूला आपका हार्दिक स्वागत करता है। फाइनली द्वारका कह रहा हूँ, धारचूला में प्रवेश कर लिया है। अब धारचूला में कहाँ जाना है ये पता नहीं। अभी 6:30 बजे आए हम, 4 घंटे में धारचूला। तो धारचूला अभी एंटर किया है, मेन मार्केट और जो मेन जगह है वो थोड़ा आगे होगा, पर एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ भाई धारचूला पहुंच गए। ना करते हुए भी हमें रात को चलाना ही पड़ गया खराब रास्तों में। हो ही जाता है जब बिल्कुल टच एंड गो होता है ना, बिल्कुल हिसाब किताब ऐसा लगाओ पहाड़ों में कि बस इतने बजे ये, इतने बजे वो और इतने बजे वहाँ, सब कुछ धरे का धरा रह जाता है पहाड़ों में खासतौर से, बिकॉज आपके हिसाब से नहीं चलती है दुनिया। तो दोस्तों घूम के उसी पॉइंट पे आ गए, यहीं पे खड़े हुए थे हम, फिर हम यहाँ से ऊपर गए थे, इधर गए थे दवाई लेने और यहाँ से ऊपर गए वापस घूम के यहाँ पे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं KMVN जो कुमाऊं मंडल विकास निगम, जो कि सरकारी है होटल है यहाँ पे KMVN को। चलो आगे कर, अबे सो। दोस्तों KMVN का हमने होटल ले लिया था, मेरे को मिला नहीं तेरा बॉक्स। KMVN का होटल ले लिया था हमने, और जो आप पीछे देख रहे हो ना वो मेरे को अभी पता चला वो नेपाल है। यस, ये जो नदी है वो तो हमने आपको जाते हुए भी दिखा रहा था कि नदी के उधर नेपाल चल रहा है। तो ये धारचूला है और उसको जो नदी के उस साइड शहर है नेपाल का, उसको धार चुका है कुछ बोलते हैं। तो हमारा प्लान है कि हम कल सुबह विल गो इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे, मतलब नदी पार करके। सो वो मैं आपको कल दिखाता हूँ। और KMVN का हमने होटल ले लिया था, पूरा बुक था यहाँ पे, तो रूम्स मिले नहीं हमें और हम उधर उधर भटकना नहीं चाहते थे। बहुत सारे होटल्स नहीं हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉर्मेंट्री मिल रही थी 400 रुपये पर बेड, तो वो हमने ले लिया चारों ने। सो That's it for the day, दोस्तों लव यू ऑल एंड थैंक यू जुड़े रहने के लिए। कल कुछ नए एडवेंचर करते हैं, जुड़े रहिए। बाय बाय, लव यू।